आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए दीपावली की रात का तंत्र शास्त्र और अध्यात्म में बहुत बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें इस दिन करने से पूरे साल माता महालक्ष्मी की कृपा रहती है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि इस साल दिवाली पर बनने वाले लक्ष्मी योग में रात के समय कौन कौन से उपाय करने से आपको धन समृद्धि की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहला उपाय है कि दीपावली की रात एक आंवला लें, उस पर सिंदूर लगाएं और उस पर लाल चुनरी चढ़ाएं। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने ये आंवला रखकर ओम विष्णु प्रिया नमः का कमल गट्टे की माला से 5 बार जप करें। पूजन के बाद तिजोरी या फिर जहां पर भी आप धन रखते हों उस स्थान पर उस आंवले को रख दें। माना जाता है कि इससे धन की कमी नहीं रहती है। दूसरा उपाय है कि दीपावली की रात चांदी का सिक्का या फिर कोई भी चीज़ गुलाबी रंग के रुमाल में लपेटकर लक्ष्मी जी को अर्पित कर दें। इसके बाद ओम महालक्ष्मी मंत्र को कमल गट्टे की माला से 5 बार जप करें और पूजन धूप के बाद तिजोरी या फिर अलमारी में रख दें। धनतेरस या दीपावली के दिन 3 झाड़ू खरीद कर लाएं। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने घर के किसी पास के मंदिर में रखाएं। ध्यान रहे कि उस वक्त आपको कोई देख ना ले। इस उपाय से आपकी धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। चौथा उपाय है दीपावली के दिन एक शहद की शीशी में 7 छोटी इलायची और थोड़ा सा केसर के दाने डालें और इन सबको छांव में सूखने दें। इसके बाद रोज एक दाना खाएं या बनाते समय भोजन में डालकर पूरे परिवार को खिलाएं। इसको खाते वक्त लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करते रहें। इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पांचवा उपाय है दीपावली के दिन पीतल के ग्लास में गंगा जल भरकर उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर घर के ईशान कोण पर रखें। इस उपाय से धन में वृद्धि होगी, ऐसा मान्यताएं कहती हैं। छठवां उपाय है कि दीपावली वाले दिन खीर बनाकर एवं जलयुक्त नारियल दोनों को लेकर पूरे घर में घुमाएं। इसके बाद मुख्य द्वार पर नारियल तोड़ दें, खीर कुत्ते को खिला दें। इस उपाय से घर में लक्ष्मी का वास होता है, इससे केतु का अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाता है। सातवां उपाय है दीपावली की शाम पूजन के समय लक्ष्मी जी के सामने एक तेल व एक देसी घी का दिया जलाएं और कोशिश करें कि ये दिया अखंडित जलता रहे। इसके साथ जितना हो सके माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः का जप करें। इससे दुर्भाग्य दूर होता है और घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। आठवां उपाय है कि दीपावली के दिन गरीब कन्या को उपहार दें और सुहागन स्त्री को सुबह सुबह सुहाग की सामग्री उपहार दें। इसके बाद माँ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद दें और उनको पहला उपहार दें। अगर घर में कन्या हो तो उसकी पसंद का उपहार और मिठाई आदि दें। ऐसा करने से लक्ष्मी का आपके घर पर आगमन होगा। नौवां उपाय है दीपावली के दिन किसी भी जरूरतमंद महिला या पुरुष को मिठाई आदि आवश्यकता का सामान दें ताकि उसके घर में भी दीप जले और खुशियां मन सकें। साथ ही दीपावली की रात को पूजन के बाद अपनी गृह लक्ष्मी को उत्तम उपहार दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। और अंतिम उपाय है दीपावली के पर्व पर यदि किन्नर आपसे पैसे मांगने आए तो उन्हें श्रद्धानुसार रुपए दें तथा एक सिक्का उनसे लेकर या उनसे स्पर्श करवा कर अपनी तिजोरी में रखें। धन की कमी वर्ष भर नहीं रहेगी, कभी आपके काम में कोई रुकावट नहीं आएगी और इस उपाय से बुध ग्रह का भी शुभ प्रभाव प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि और शांति अवश्य लाएगा। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलेंगे इसी तरह की कुछ जानकारियों के साथ। तब तक ले दीजिए हमें इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतज़ार करिए। नमस्कार।